हमारे पीएम की स्पीच सुनने के बाद आपने पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में तो इन्वेस्टमेंट किया ही होगा, बट इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स को बिल्कुल भी नजरअंदाज मत करिएगा, क्योंकि यहां पर 10 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट किए गए हैं गवर्नमेंट के थ्रू। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो 70% पर ईयर ग्रोथ कर रही है, और यहां पर 5 ट्रिलियन के इकोनॉमी बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में $1.4 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, जिसमें 9,000 प्रोजेक्ट्स अभी कंप्लीट होने वाले हैं और 2,000 प्रोजेक्ट्स अभी रनिंग में चल रहे हैं, जिसमें 5 सेक्टर्स को काफी ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है, और इनके स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर आप भी काफी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो सबसे पहला जो सेक्टर है वो है हमारा पावर सेक्टर, जिसके फेवरेट स्टॉक्स हैं एनटीपीसी, आईएक्स और पावर ग्रिड। और जो हमारा सेकंड सेक्टर है ये हमारा एयरपोर्ट्स का, जिसमें इंडियन एयरलाइंस ने अभी 1100 न्यू प्लेन्स के ऑर्डर दिए हैं, जिसको खड़ा करने की जगह नहीं है, और यहां पर गवर्नमेंट 80 न्यू एयरपोर्ट्स बनाने वाली है 2025 तक, जहां पर इनके नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स 140 से 220 तक पहुंच जाएंगे, जिसके दो फेवरेट स्टॉक हैं अदानी पोर्ट और जीएमआर एयरपोर्ट। तो हमारा थर्ड सेक्टर है, इसमें काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, जो कि है हमारा इंडियन रेलवे, जिसमें काफी सारे मोनोपोली स्टॉक्स होते हैं, जिसमें फेवरेट स्टॉक है हमारे IRFC, RVNL और IRCTC। फोर्थ सेक्टर है हमारा इंडियन रोड्स, इंडियन रोड्स में हमारे फेवरेट स्टॉक्स हैं L&T, PNC और IRB। और जो हमारा फिफ्थ सेक्टर है ये है हमारा कंस्ट्रक्शन मार्केट का, जिसमें काफी ज्यादा बेनिफिट मिल रहे हैं हाउसिंग डिमांड्स और आवास योजना के थ्रू, जिसमें आपको काफी सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। सीमेंट स्टॉक्स, पेंट स्टॉक और TMT स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सभी स्टॉक्स के और सेक्टर के नाम आप यहां पर भूल ना जाएं, उसके लिए वीडियो सेव करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।